नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। आखिरकार दर्शकों का इंतजार हुआ खत्म। किंग खान ने एक बार फिर धमाकेदार एंट्री मारी है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है। आइए जानते हैं किंग खान पर एक खास रिपोर्ट। लंबे समय से इंतजार के बाद आखिरकार शाहरुख खान की फिल्म जवान 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जैसा कि उम्मीद थी, फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है। यह निश्चित रूप से एक ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि जवान ने अपने शुरुआती दिन में इतिहास रच दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एसआर के स्टारर ने भारत में 75 करोड़ रुपए की भारी कमाई की है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया है। जवान अब बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर है। जवान को पहले से ही बॉक्स ऑफिस विजेता माना जा रहा है। ट्रेंड रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले दिन जवान ने भारत की सभी भाषाओं में 75 करोड़ रुपए कमाए। गुरुवार को फिल्म के हिंदी संस्करण में कुल मिलाकर 58.67% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। चेन्नई में 81% के साथ सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी देखी गई। इस बीच व्यापार विश्लेषक रमेश बाला ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर उल्लेख किया गया था कि जवान दुनिया भर में पहले दिन 150 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की उम्मीद कर रही है। जवान ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया में भी 400,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कमाई की, इसीलिए यह ऑस्ट्रेलियाई बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। इस बीच न्यूजीलैंड में भी फिल्म ने 79,809.13 लाख रुपए के साथ नंबर वन पर शुरुआत की। जर्मनी में जवान ने 1.30 करोड़ रुपए के साथ तीसरे नंबर पर शुरुआत की। फिल्म ने उत्तरी अमेरिका, यूके और कनाडा में भी शानदार शुरुआत की है। यह फिल्म एक व्यावसायिक मनोरंजक फिल्म मानी जा रही है और इसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में है, एक खुफिया अधिकारी और एक चोर। फिल्म की शूटिंग पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान और औरंगाबाद में की गई थी। अनिरुद्ध रविचंद्र ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया और बॉलीवुड में एकल संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की है। खास कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।